ways to say I don't know. हेलो दोस्तों, क्या आप भी आपके दोस्तों या बच्चों जैसे इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं? हमारे e-learning application हेलो शाह के साथ आप सीख सकते हैं fluent English, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए हम आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ways to say I don't know, मतलब मुझे नहीं पता कहने के तरीके। अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो वीडियो में दिए गए phrases का यूज करके आप बोल सकते हो कि आप नहीं जानते। जब आपको किसी चीज के बारे में कुछ पता ना हो तब आप यूज कर सकते हैं I don't know, या फिर I have no idea, या फिर I have no clue, इसका मतलब है मुझे नहीं पता। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। I have no idea what happened, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। I have no clue about it, मतलब मुझे इसके बारे में कोई सुराग नहीं। चलो देखते हैं एक और तरीका। अगर कोई भविष्य में होने वाली बात के बारे में आपसे पूछता है और उस बारे में आप कोई अंदाजा नहीं रखते हैं तो आप बोल सकते हैं Who knows, यानी कि कौन जानता है। एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। Who knows how things will be, मतलब कौन जानता है कि चीजें कैसी होंगी। अब देखते हैं एक नया तरीका। I don't have the foggiest idea, foggiest यानी कि अस्पष्ट, मेरे पास स्पष्ट कल्पना नहीं है। अब एक एग्जाम्पल में देखेंगे। I don't have the foggiest idea, do you, मतलब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या आपको है। अगर आपके पास चालू समय तक किसी बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसका उत्तर कैसे दें? चलिए देखते हैं। I don't have that information here right now, I'm sorry, मतलब कि मुझे अभी वह जानकारी नहीं मिली है, मुझे खेद है। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें यदि आप निश्चित रूप से कुछ नहीं जानते हैं तो उसे कैसे कहा जाए। तो आप कह सकते हैं Not as far as I know, मतलब जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल जिसे हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये समझ पाए। आप कह सकते हैं Well, not as far as I know, मतलब ठीक है जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो I'll get back to you on that one soon, मतलब मैं जल्द ही उस पर वापस आऊंगा। जब भी आप कहना चाहते हैं कि किसी चीज का जवाब कुछ देर बाद देंगे तो इसका उपयोग कर सकते हैं। सीखते हैं आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। Mike, I'll get back to you on that, please wait for a while. Mike, मैं उस पर आपके पास वापस आऊंगा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। और आप कह सकते हैं I'm going to investigate that further, wait for some time, मतलब मैं इसकी जांच करने जा रहा हूँ, कुछ समय और इंतजार करें। ये बोलकर आप सामने वाले व्यक्ति को भी निराश नहीं करेंगे। देखिए कितना आसान था। तो आज कुछ नया करते हैं। मैं एक सवाल बताऊंगी, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, इस पर जांच करता हूँ इसे इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। ये सेंटेंस की शुरुआत लेट से कर। होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। इंग्लिश जल्दी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। इसी तरह कुछ और आई डोंट नो बोलने के तरीके सीखने के लिए डाउनलोड कीजिए हेलो शाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।